नमस्कार, विशेष में आपके साथ मैं हूँ अनामिका अजय मिश्रा। विशेष में आज बात करेंगे काफी विशेष खबर की, जिसमें विशेषता तलाशने की कोशिश खुद की है कांग्रेस हाईकमान ने। दरअसल शकील अहमद से प्रदेश का प्रभार लेकर कमलनाथ को सौंप दिया गया। तो क्या कमाल कर पाएंगे कमल, आइए चर्चा करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच अंतरकलह इस कदर बढ़ चुकी है कि इस अंतरकलह को खत्म करने में कांग्रेस के बड़े नेता भी असहाय नजर। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं में चल रही अंतरकलह और गुटबाजी को खत्म करने में नाकाम रहे हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी और उनकी जगह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी पद की कमान संभाली। इसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कमलनाथ हरियाणा में कमाल कर पाएंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कमलनाथ ने कांग्रेस में चल रहे आपसी द्वंद पर आंखें तरेड़ना शुरू कर दिया है और वर्चस्व की लड़ाई में चूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कड़ा संदेश दे दिया है। गुटबाजी पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को कमलनाथ का कड़ा संदेश। ब्लॉक और जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत करें नेता। गुटबाजी पर भविष्य में नेताओं को निर्देश दिए जाएंगे। पार्टी की मजबूती पर ध्यान दे नेता। सूत्रों के हवाले से खबर। कमलनाथ ने आते ही गुटबाजी में मदहोश पार्टी के बड़े नेताओं को होश में आने की नसीहत दे दी है। वहीं कांग्रेस नेताओं का भी मानना है कि कमलनाथ को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने से संगठन को खासा मजबूती मिलेगी और उनके अनुभव का संगठन को फायदा मिलेगा। बात मैंने माननीय श्री कमलनाथ जी को कही है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम आप बनाइए जिससे कांग्रेस एक मजबूत कांग्रेस बने और कांग्रेस मिलजुल कर लोगों की लड़ाई लड़े। और इस बात में मुझे आशा है कि कमलनाथ जी का जो स्टेचर है, जो उनका कद है, वो सहायक रहेगा। लेकिन बावजूद इसके कई सवाल उठ रहे हैं, क्या कमलनाथ कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने का कमाल कर पाएंगे? क्या कमलनाथ के निर्देशों को कांग्रेस नेता गंभीरता से लेंगे? क्या कांग्रेस की गुटबाजी का अब अंत होगा? कांग्रेस में क्यों हावी है गुटबाजी? क्या पार्टी से बड़ी है नेताओं के लिए महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई? लोकसभा और विधानसभा चुनाव में औंधे मुंह गिरने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने कोई सबक नहीं लिया और आज भी पार्टी में गुटबाजी बदस्तूर जारी है। वैसे तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को एक दूसरे की शक्ल फूटी आंख नहीं सुहाती और वे एक साथ किसी भी कार्यक्रम में जाने से बचते नजर आते हैं और अगर मजबूरी में पहुंच भी जाएं तो महाभारत के शुरू होने में देर नहीं लगती। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कमलनाथ क्या पार्टी की गुटबाजी को खत्म कर संगठन को नए सिरे से एक धागे में पिरो पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या पार्टी की गुटबाजी को खत्म करके संगठन को एक नए सिरे से एक नए धागे में पिरो पाएंगे? चूंकि इस वक्त बहुत जरूरी है। कांग्रेस जिस तरह से हाशिए पर जा चुकी है प्रदेश की राजनीति में, कहाँ एक समय को लोकसभा में 9 सीटें हुआ करती थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट दूर थी और अब 1 ही बच गई है। तो आप देखिए हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उसके बाद भी एक मुख्य विपक्ष का भी किरदार नहीं है इस वक्त कांग्रेस के पास। कांग्रेस को जहाँ
रूट लेवल से लेकर ऊपर तक मजबूती की जरूरत है, वहां गुटबाजी अपने सतह पर है, अंतर कलह साफ उभर कर सामने आती रहती है, या हम गाहे बगाहे ना कहे क्योंकि ज्यादातर अंतर कलह उभर कर सामने आती ही रहती हैं, आए दिन इस तरह की खबरें जो हैं वो सुर्खियों में। तो क्या कमलनाथ, जिन्हें प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, वो कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने का कमाल कर पाएंगे? कमल से इसी कमाल की उम्मीद हाईकमान ने की है, शकील अहमद से भी एक समय में की थी, लेकिन अहमद साहब इस आपसी गुटबाजी से प्रदेश कांग्रेस को बाहर नहीं निकाल सके। बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन आपसी अंतर्कलह को वो खत्म नहीं करा पाए थे। तो क्या कमलनाथ से इस कमाल की उम्मीद की जाए? कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदेश प्रभार को बदल देने से आपको लगता है कि प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसे खत्म किया जा सकता है? कमलनाथ कमाल कर पाएंगे क्या? अच्छा जी, कमलनाथ जी जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, तकरीबन 9 बार एमपी रहे हैं, और उनके छिंदवाड़ा में मेरे को मौका मिला था जाने का, मैं ऑब्जर्वर रहा था 94 के अंदर। जी जी। तो मेरे को, मैं उनको कई वर्षों से जानता हूँ, तो और उनका मिलने का तरीका भी ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा रहता है वो जानता है कि किस व्यक्ति में कितना दम है, और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होता है तो वो कांग्रेस को मजबूत करने में, मैं समझता हूँ, काफी जो है लाभ पहुंचेगा। फिर उनका कद भी है। ये बातें तो हम शकील अहमद साहब के लिए भी कहते रहे हैं एक वक्त में। देखो जी, वो इंदिरा जी के समय से हैं, कमलनाथ जी जो हैं बहुत नौजवान थे, तो इंदिरा जी के वक्त से कांग्रेस में हैं जी। तो एक उनकी जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेस कल्चर के हैं, शकील अहमद भी जो है कांग्रेस कल्चर के थे जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में एक ऐसा व्यक्ति को लगाना जो लगाया गया है, उससे जो है हर व्यक्ति उनकी बात सुनेगा। कोई हुड्डा साहब तो पहली दफा एमपी बने 91 में, और मैं तो उनसे पहले बना था एमएलए जी जी, मेरे ख्याल से 77 में बनके थे पहली दफा, तो बहुत ही 77 में या पता नहीं 72 में बने थे, और बहुत सीनियर जो है एक उनका कद भी है पार्टी, मैं समझता हूँ उनका कद भी है, उनका अनुभव भी है, उनका अनुभव बोलेगा ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, अनुभव भी है, और उनकी कार्यशैली भी अच्छी है काम करने की। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि उनको कोई लाइटली लेगा कांग्रेस में। ये यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि लाइटली ना लिया जाए। आपकी बातों को सुनकर कैप्टन साहब ऐसा लग रहा है कि अपनी ओर से पुरजोर कोशिश तो कमलनाथ करेंगे ही, हाईकमान को भी कुछ ऐसी उम्मीदें थी कि ये प्रदेश प्रभार बदलकर उन्हें सौंपा गया, उन्हें ये प्रभार दे दिया गया कि आप वहाँ पर जाइए और कांग्रेस को वहाँ पर दुरुस्त स्थिति में लाने की कोशिश कीजिए, मजबूत लाने की कोशिश कीजिए, कोशिशें उनकी ओर से भरसक होगी। ऐसा है, मैं, मेरी मुलाकात अभी 3 दिन पहले राहुल जी से हुई थी, और कल मेरी सोनिया जी से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको यही कहा था कि जो आप विजन ले रहे हैं, जैसे गुलाम नबी आजाद को आपने यूपी में लगाया है, वो भी जो है जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, लोकसभा में भी लड़े हैं, वो महाराष्ट्र से भी रहे, उसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे जी। तो ऐसे व्यक्ति को लगाओ जिसका कहने से प्रभाव पड़े, जिसके कहने के ऊपर कोई ना करने की हिम्मत ना कर सके, उसी प्रकार से जैसे कमलनाथ जी को लगा, इसी प्रकार से पूरे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं, वो जब तक जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों को आप नहीं लगाएंगे, मैंने कहा, तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। और ये जो डिसीजन आप ले रही हैं पार्टी, मैं समझता हूँ कि बहुत सही कदम है, और इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ ने जो ये संदेश आते ही दिया है कि पार्टी को, मैंने देखा कि किस तरह से वो अलग अलग गुटों में एक तरह से बटी हुई, अलग अलग धड़ों में, यह अब नहीं चलेगा, इससे बाहर आपसी अंतर्कलह, मतभेद, मनभेद, इन सब चीजों से बाहर आकर कांग्रेस के लिए और सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करना होगा, इसे मजबूती से बाकी लोग लेंगे। आपने ये जिक्र किया था अभी कैप्टन साहब की, लाइटली ऐसा नहीं लगता कि कोई उनकी बातों को लेगा जी। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ जी। बोलिए बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है वोट डाल के ना आए, इस प्रकार की बात दोहराई नहीं जाएगी कांग्रेस में,
यहाँ पर यानी आप मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि वोट डालकर नहीं आया कोई व्यक्ति? नहीं नहीं कोई व्यक्ति जो है खाली बैलेट पेपर छोड़ के आ जाए, इस हाँ, प्रकार की बात जो है हाँ, अपने दोहराई जाएगी। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आ रही हूँ। हाँ, जब तक डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं होगा हाँ, तो पार्टी चलने वाली नहीं है। यही यही चीज कहीं ना कहीं हाईकमान को महसूस हुई है कि ये प्रदेश प्रभार सौंपा गया है। सुनीता दुग्गल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई है। सुनीता जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैप्टन साहब को सुन रही होंगी आप? जी जी जी। प्रदेश जी का प्रभार बदलने से ऐसी कांग्रेस में उम्मीद दिखी है, जैसे कि कैप्टन साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब बदलाव होगा, चूंकि काफी अनुभवी हैं, कार्यशैली भी अच्छी है कमलनाथ की, और ऐसा लगता नहीं है कि उनकी बातों को कोई लाइटली लेगा। तो आपको भी नजर आता है क्या कि हाँ ये बदलाव हो सकता है इस बदलाव के बाद? देखिए वैसे तो ये सारा जो भी मामला है ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, हाँ। लेकिन फिर भी हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जो है वो हरियाणा में भी और केंद्र में भी मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम वेलकम करेंगे कि हमारे सामने कोई मजबूत विपक्ष भी आए। हाँ। जिस तरह की अंतर्कलह जो इन लोगों के अंदर है, और जिस तरह का खुद कैप्टन साहब ने भी आपके सामने ये माना है कि कुछ लोग जो है वो बैलेट पेपर भी खाली छोड़कर आए, तो ये उनका अपना पार्टी का मामला है। पार्टी को देखना है ये कि किस तरह का उनके यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, और हाँ। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि अगर अच्छा विपक्ष भी होगा तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है, जनता के लिए बहुत अच्छा है। हम तो ये चाहेंगे कि एक सशक्त लोकतंत्र जो है उसके लिए जो है हमारे सामने एक हाँ। अच्छा विपक्ष भी आए, ताकि आप बने रहिए एक अच्छे विपक्ष, बिल्कुल बिल्कुल, और काम करने में तब आनंद भी आता है, और एक कार्यशैली जो है उसमें काफी बदलाव भी महसूस होता है। बने रहिए आप मेरे साथ। कैप्टन साहब आप हैं क्या अभी? जी कैप्टन साहब मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि ठीक है ऐसे संकेत मिल रहे हैं, अगर और उनकी बातों को कोई बहुत हल्के में नहीं लेता है, सुनता है, उसका अनुसरण किया जाता है, उनके मार्गदर्शन पे उनकी बताई राह पे अगर चला जाता है, तो ये जरूरत है भी इस वक्त प्रदेश कांग्रेस को। लेकिन कुलदीप शर्मा की मुलाकात पहले, शाम को किरण चौधरी मिलने जाएंगी, तो अलग अलग जो ये मुलाकात है ये किस ओर इशारा करते, इसे हम क्या समझें? मुलाकात तो देखो अलग ही होती है, जी कोई साथ को इकट्ठा थोड़ी करता मुलाकात, तो इसमें अपनी कोई बात कहनी है नहीं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कैप्टन साहब कि हर कोई अपने अपने गुट की मजबूती के लिए अब जुट गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं परसों मिला था कमलनाथ जी से, इसका मतलब थोड़ी ना गुटबाजी कर रहे हैं हम। अच्छा, जो भी कोई बात करेगा इंडिविजुअली जाके अपनी फीडबैक, कोई भी नेता है ग्रुप में कभी बात नहीं करता है, कोई फीडबैक लेता है तो हर एक व्यक्ति के पार्टी के फीडबैक लेगा, और उसके फीडबैक लेने के बाद इंडिपेंडेंट तरीके से अपने हिसाब से उनका पास एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो है अपनी वो कार्य करेंगे, इसमें क्या बात है। चलिए चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि प्रदेश कांग्रेस को अगर इससे मजबूती मिलती है तो ये भी एक बेहतर बदलाव है हाईकमान की ओर से। बहुत शुक्रिया सर, समय दिया आपने कैप्टन साहब, बहुत धन्यवाद। सुनीता जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं। अत्रे साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन लगातार ब्रेक का कमांड मिल रहा है, हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अपने दोनों ही खास मेहमान से मैं इस छोटे से ब्रेक के बाद बात करूंगी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे, गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था, ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में डेयरी उसको मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Waterworld,
जिनके सपने आसमान को छूने के होते हैं उन्हीं के सपने साकार होते हैं, क्योंकि वो हिम्मत करते हैं कुछ बड़ा सपना देखने के। सपने बड़े हैं और उम्मीद उन्हें इतनी ही है कि भारत के लिए लेकर आना है तो बस गोल्ड मेडल। आखिर कैसी पॉलिसीज बनाई जा सकती है जिससे कि इनकी मदद हो सके? स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर, बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। अरे चौधरी, कहाँ निकल पाए? पिछले साल कीटों ने फसल बिगाड़ दी थी, सोचा इस साल बाबा से पहले ही आशीर्वाद ले लूं। क्यों, कीटनाशक दवाई नजर नहीं गया? क्या बताऊं? अब आप क्या बताएंगे? ये है दानुका के सलाहकार, आइए। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक, जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ दानुका कवर ही मांगिए। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बी आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। It's always you taking me through, I say the same old thing with you by my side। ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके साफ-सफाई क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यू ही कैंसिल लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की, कपड़े और हाथ वुश करे खुश। नमस्कार, टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ वकील आर के आनंद, आपका स्वागत। कांग्रेस से भी संबंध रहे, बीजेपी से भी ताल्लुकात रहे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, उसके बावजूद आज आप अलग थलग पड़ गए। मुझे कहा गया था कि अगर चौटाला साहब किसी का नाम देते हैं तो बीजेपी अपना कोई नॉमिनी खड़ा नहीं करेगा, तो ये पहला धोखा दिया बीजेपी ने। मुझे पता था कि बीजेपी वाले ये बदमाशी करेंगे। धोखेबाज पार्टी वो तो करेगी ना ये काम। आपका ये कहना है कि बहुत बड़े लेवल पर इसको स्ट्रैटेजिकली कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारी चीजें की गई। ये पेन की चेंजिंग जो हुई ये असीम गोयल के बाद में हुई, तो आपने ये गंदे खेल क्यों खेले? बीजेपी की पूरी शह पर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, इट्स अ केस ऑफ अ क्लियर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बाई दिस पीपल। भूपेंद्र सिंह हुडा का जो वोट था वो बिल्कुल ब्लैंक। ही नेवर एग्रीड मी दैट ही विल वोट फॉर मी। His stand was that हमारा पॉलिटिक्स डिफरेंट है, हमारा बर्बाद हो जाएंगे अगर हम इन लोग के साथ में जाएंगे। आप अब क्या चाहते हैं इन वन लाइन? अब मुझे पूछ रहे क्या चाहता हूँ? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। मुझे चाहता है तो गोली मार दूँ। फिर समय अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कांग्रेस का कमल इलाज। एक बार फिर से अपने इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद भी, और ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो बदलाव हाईकमान की ओर से, कांग्रेस हाईकमान की ओर से किए गए, क्या उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा क्या आने वाले समय में, क्योंकि कुछ ऐसी सोच के साथ शकील अहमद साहब को ये प्रभार सौंपा गया था। अब अहमद साहब से ये प्रभार लेकर कमलनाथ को सौंप दिया गया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि राज्यसभा चुनाव में 14 वोट कैंसिल हुए, 13 वोट कांग्रेस के, और इस चुनाव के तुरंत बाद ये परिवर्तन किया गया कि शकील अहमद से प्रदेश का प्रभार यानी हरियाणा का प्रभार लेकर कमलनाथ साहब को सौंप दिया गया। तो क्या कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस को उस लेवल तक लेकर जा पाएंगे जहां पर प्रदेश हाईकमान चाहती है कि उसे होना चाहिए, पहुंचना चाहिए? क्या उतनी मजबूती, उतनी दृढ़ता कांग्रेस में कमलनाथ लेकर आ पाएंगे? क्योंकि चुनौतियां तमाम है, और सबसे पहले चुनौती कि वो आपसी गुटबाजी को कैसे खत्म करेंगे, एक मुद्दे पर अलग अलग मतों को कैसे खत्म करेंगे। मतभेद है, होने चाहिए, हो सकते हैं कि किसी पार्टी में, किसी राजनीतिक दल में मतभेद हो, ऐसा नहीं है कि दूसरे दलों में नहीं होगा, लेकिन मनभेद को कैसे दूर करेंगे ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है कमलनाथ के आगे। हालांकि कुछ नेता ये जरूर कह रहे हैं, जैसे कि कैप्टन अजय यादव साहब अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ बात कर रहे थे, हरियाणा न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अब ऐसी तो किसी की हिम्मत नहीं ही होगी कि वो बैलेट पेपर खाली छोड़कर चला आए, चूंकि हाईकमान का जो निर्देश है, हाईकमान का जो फैसला है, लगता है कि अब लोग उसे फॉलो करेंगे, और हाईकमान ने कुछ यही सोचकर शायद ये चेंजेस किए होंगे कि कैसे मजबूती लाई जाए। कैप्टन अजय यादव साहब ने हमारे साथ हुई बातचीत में ये कहा कि लाइटली कोई कमलनाथ की बात को लेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनका अनुभव बोलता है, उनकी कार्यशैली ही ऐसी है कि जिसके साथ भी मिलते हैं उनकी बात को बहुत गंभीरता और धीरता के साथ सुनते हैं, और ये उम्मीद हम करते हैं कि अब प्रदेश कांग्रेस को कमलनाथ के आने से मजबूती मिलेगी। तो देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं कमल। फिलहाल विशेष में हम यहीं रुकेंगे। नमस्कार।